الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم. بڑی محبت نال درود شریف پڑھو. الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. صدر محترم، عزیز محترم، حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب ہاشمی حافظہ اللہ، عزیز محترم حضرت مولانا ضیاء احمد ہاشمی سلمہ اللہ، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگ دوستو، عزیز نوجوان ساتھیو، پیارے پیارے بچوں، میں تے تسی اج استاد العلماء پیر طریقت حضرت مولانا محمد علی شاہ صاحب ہاشمی رحمت اللہ علیہ دے 16ویں عرس مبارک، اور عزیز محترم حضرت مولانا ظہور احمد ہاشمی رحمت اللہ علیہ دے سالانہ ختم مبارک دی بابرکت تقریب دے اندر شرکت کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میرا مالک اتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے. میرے جس جس دوست بزرگ نے، بہن بھائی نے عرس مبارک دی تقریبات آستے کسے طرح بھی ہاشمی برادران نال کوئی ہتھ بٹایا ہے، اللہ تعالیٰ میریاں اودیاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ اج دے اس ذکر مبارک نو ساڈیاں قبراں دے ٹھنڈے ہون دا سامان بنایا. اس گل وچ کوئی شک نہیں کہ جڑا بھی اس ترتی تے آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن ایتھوں جانا ہے. خود مالک نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت،
हर जान ने मौत का मजा चखना। फिर मालिक ने हर किसी की मौत का वक्त भी मुकर्रर किया। इज़ा जा अजलुहुम फला यस्तक़दिमून सा'अतन वला यस्तअख़िरून। जदों मौत आ गई ना एक मिनट अगे ना एक मिनट पीछे, मौत का वक्त भी मालिक ने मुकर्रर फरमाया। साढ़े फैसलाबाद के अंदर ये अठ बाजार ने, एक बाजार का ना है चन्योट बाजार। उदे बाहर बिल्डिंग है स्टेट लाइफ वाले ने। एक बारी एक मजदूर बिल्डिंग बन रही थी, उदी सतवीं मंजिल तो थले डिग गया। बस उन्हें पासा परताया तो खड़ा हो गया, कोई नुकसान ही नहीं पहुंचे। लोकी दौड़े आए, मुबारक मुबारक, अल्लाह ने तेनू बचा लिया। मिस्त्री भी आ गए, उन्हें कहा पुत्रा अल्लाह की कितनी मेहरबानी हुई है, तू सतवीं मंजिल तो डिगया तो बच गया, आ ले पैसे जा बाजार मिठाई लेके आ, तेरे बचण की खुशी के अंदर असी मिठाई बन गए। वो मिठाई लैन वास्ते गया, मिठाई लैके जो वापस आया रोड क्रॉस कर रहा सी, कार ने मारी टक्कर, फौत हो गए। सतवीं मंजिल तो डिगण तो बाद क्यों नहीं मरिया? टाइम नहीं होया, ते हुण क्यों नहीं बचिया? टाइम। मालिक ने सच फरमाया, जदों किसी का वक्त आ जाए ना सैकेंड अगे ना सैकेंड पिछे। अच्छा, जो बंदा दुनिया तो टुर जाता है ना, रूह निकल गई, हुण मगरलियां दियां ड्यूटियां शुरू हो जांदियां ने, वारिसां दियां, लो भी उन्हें गुसल भी देना है, इनू कफन भी पवाना है, इहदा जनाजा तैयार करना है, जनाजा चुक के ले जाना है। जिस वेले जनाजा चुकया जांदा है ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मरन वाला नेक होवे तां वी बोलदा, बद होवे तां वी बोलदा। नेक होएगा तो आखेगा ओए पुत्रा, ओए भतीजिया, ओए भणेवियां, ओए फलाणिया, बड़े सुस्त हो गए हो, जल्दी जल्दी करो ना, लैके चलो जल्दी, मैनूं तां नहीं पता अल्लाह ने मेरे वास्ते कितनी नेमतां तैयार कीतियां। बद होएगा वह भी बोलदा, ओए पुत्रा ओए भतीजिया, वह मैनू कित्थे लै चलियो, मैनू ना ले जाओ, वह मैनू बड़े फेंटे लगने ने, मैनू ना लैके जाओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस मैयत दी इस आवाज़ नू जिन्ना इंसाना तो इलावा हर मखलूक सुन दी। ये बुखारी शरीफ है। अच्छा, जड़ी मैयत बोलन वाली है किथे? मोड़ियां ते। उदा मुँह किथे है? उत्ते के थले, मुँह उत्ते। अखां बंद ने के खुलियां? बंद। मुँह दे उत्ते कपड़ा है के नहीं? है। मुँह भी उत्ते, अखां भी बंद, अखां ते कपड़ा भी है, लेकिन फिर भी वह चुकन वाले नूं वेखी जांदा, सुनी जांदा। ए तुसी एक वेखे होना, उधरों जनाजा चुकिया जांदा, उधरों एक आवाज़ आउंदी है, कलमा शहादत। सानू लोग पुछदे ने कलमा शहादत आया कित्थों? खुद मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लक्नु मौताकुम शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने मुर्दियां नू कलेमा शहादत दी तलकीन करो। क्यों जी? मुर्दियां
क्यों कबर तक जांदियां कलमा शहादत सुनदा जाएगा ते कबर च आउणा मुनकर नकीर ने उन्हें सवाल करना तो बड़े आराम नाल कह सकदा फरिश्ते हो ओ मेरे सजना ने सारी राह कलमा शहादत सुना सुना के मैनू दसा दिता समझा दिता रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह अच्छा बंदे दे ना कई जहान ने एक ओ जहान है जदों असी कुछ भी नहीं सा हल अता अलल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शैअं मज़कूरा असी कुछ भी नहीं सा फिर असी अपने बापां दे राही मावां दे पेट च आए मां दे पेट दे अंदर जिसम बनना शुरू हो गए मां दे पेट दे अंदर ही जिसम च जान पई एक जहान ए बच्चा जिंदा है पर किथे है मां दे पेट दे अंदर पैदा हो गया जो पैदा हो गया हुण उहदे वास्ते नवा जहान शुरू हो गया पहले जहाने च भी जिसम जिंदा सी लेकिन मां दे पेट वाली जिंदगी ए भी महसूस हुंदी सी दूजियां नूं भी है जिंदा है भाई जदों असी दुनिया च आ गए ए भी जिंदगी है ए भी जिंदगी ऐसी है जड़ी दूजियां नूं महसूस हुंदी है उधरों रूह ने कीती परवाज रूह ने कीती परवाज ते जहान चेंज हो गया हुण केड़ा जहान शुरू हो गया वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून ए आलमे बरज़ख शुरू हो गया अच्छा इस आलमे बरज़ख च भी बंदा है जिंदा लेकिन दूजियां नूं समझ नहीं आती है जिंदा वह अल्लाह नहीं शहीदां दे बारे फरमांदा वला किल्ला तशरून है जिंदा तुहानू सुर नहीं लगती है जिंदा बरज़ख च यह मैयत भी की है बोलो ताई तो बोलती है ना अच्छा एक क्यामत तक रहना बरज़ख तो क्यामत वाले दिन केड़ा जान शुरू हो जाएगा आलमे महशर हुण आलमे मैशर वाली जिंदगी भी दूजियां नूं महसूस होएगी ए विचकारली जिंदगी है जिंदा लेकिन दूजियां नूं महसूस नहीं होंदा चार पंज साल की गल है सिल्लां वाली तो अगे चंग रोड ते एक पिंड है सूबा का मैं उत्थे तकरीर वास्ते गया वो जदों सवालों की वारी आई तो एक मुंडा खड़ा हो गया मैंने कह लगा मौली साहब नबी करीम अलैहि सलाम जिंदा ने मैं कहा जिंदा ने कह लगा जो जिंदा ने तो दसो नबी करीम अलैहि सलाम की उम्र कितनी है मैं कहा 63 साल कह लगा जो जिंदा ने तो 63 ते ब्रेक क्यों लगी 63 ते ब्रेक लगन का मतलब है कि जिंदा नहीं मैं कहा पुत्र तेरी उम्र कितनी है कह लगा 19 साल मैं पूछा तेरी उम्र का पहला दिन केड़ा सी कह लगा जो मैं पैदा होया दुनिया ते आया मैं क्या दुनिया ते आन तो पहले तू मां दे पेट च भी कुछ महीने जिंदा रहा है कि नहीं उन्हें क्या जिंदा रहा मैं क्या ते ए मुद्दत तू अपनी उम्र च काउंट क्यों नहीं की ए क्यों नहीं आई कहिंदा जी वो जान वखरा सी मैं क्या इहो ते गल है अल्लाह या रसूल अल्लाह नारा तहकीक अच्छा
हुण जान चेंज हो गया है, जिसम उहा मेरे मुस्तफा वाला अपने रोजे जिंदा है। हुण जे है ही हिम्मत रख मेरे अकीदे ते उंगल, कहना पेगा तू जिंदा है वल्ला, 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 मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अच्छा भी जनाजा ले जाना किथे, एक हुंदे ने मजबूरी दे मसले, एक हुंदा सुन्नत मसला। जनाजा मसीते नहीं ले जाना, शायद एक अद्धी वारी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसे मजबूरी दी वजह नाल मस्जिद जनाजा पढ़ाया होएगा, लेकिन मस्जिद नबवी शरीफ दे हुंदियां सांदियां सरकार ने जनाजियां वास्ते जगह वखरी बनाई सी, ते पता लगा जनाजा किथे ले जाना सुन्नत है, बाहर मस्जिद तो बाहर। दूसरा जनाजे वास्ते एक शर्त होर भी है कि मैयत सामने होवे, जे मैयत सामने नहीं तो जनाजा नहीं। जो मैयत सामने ना होवे, ये गायबाना जनाजा, ये बिजनेस का जनाजा हो सकता है। शेर गजदा है कि नहीं गजदा है? ये बिजनेस का जनाजा हो सकता है, सियासत का जनाजा हो सकता है, सुन्नत जनाजा नहीं। आ बेनजीर का जो कतल होया तो थां थां ते जनाजे नहीं पड़े गए, सियासी जनाजे सन। क्यों गायबाना जनाजा सुन्नत नहीं? इस वास्ते कि मौला मुर्तजा ने तकरीबन पौने छे साल तक हुकूमत फरमाई है, कभी किसी का गायबाना जनाजा नहीं पड़ा। इस तो पहले 12 साल तक हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन रदी अल्लाह अन्हो आपने हुकूमत फरमाई, बड़े बड़े लोग फौत होए, बार्डरों पर शहीद होए। हजरत उस्मान गनी ने ना किसी का गायबाना जनाजा मदीना शरीफ च पढ़ाया, ना किसी के पिंड जाके पढ़ाया। उस तो पहले 10 साल तक हजरत उमरे फारूक ने हुकूमत की थी, बड़े बड़े लोग शहीद हुए, ईरान फतह होया, रूम फतह होया, बैतुल मुकद्दस फतह होया, लेकिन हजरत उमर फारूक ने कदी किसी का गायबाना जनाजा नहीं पढ़ाया। उस तो पहले 2.25 साल तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो ने हुकूमत फरमाई, मुसैलमा कज़ाब के मुकाबले ते 700 कुरान का हाफिज शहीद होया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसी का गायबाना जनाजा नहीं पढ़ाया। और सुनो, इस तो पहले मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम भी कदी किसे दा गायबाना जनाजा नहीं पढ़ाया। एक मौली साहब मैनू कहन लगे, तू बड़ी जल्दी पिया कर दे, एक दा जनाजा पढ़ाया सी सरकार ने। मैं क्या किदा? ओ हबशे दा बादशाह नहीं सी नजाशी, उदा जनाजा नहीं पढ़ाया सरकार ने गायबाना? मैं कहा यार मैं अनपढ़ जिहा मौलवी, जरा मैनू समझा ते सी होया की सी। कहंदा नबी करीम अलैहि सलाम बाहर तशरीफ लियाए, फरमाया साबा ओ तुहाडा भरा हबशे दा बादशाह फौत हो गया, चलो दा जनाजा पढ़िए। गायबाना जनाजा नहीं सी?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਜਾਸ਼ੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹੈ ਹਬਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਗੈਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਗੈਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਬਸ਼ੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਇਬਾਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਗੈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰ ਅਰਸ਼ ਪਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰ, ਦਿਲ ਫਰਸ਼ ਪਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਮਲਕੂ ਤੋ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਜੋ ਤੁਝ ਪੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਾ ਗਲ ਲੋਲਾ ਬੇਕਮਾਰੇ ਕਸ਼ਫ ਦੂਜਾ ਬੇਜਮਾਲੇਹੀ, ਹਸੁਨ ਜਮੀਓ ਖਿਸਾਲੇਹੀ, ਸੱਲੋ ਅਲੈਹਿ ਵਾ ਆਲੇਹੀ। ਇਹ ਹਬਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਸੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਜਾਸ਼ੀ, ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਹੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਆਖਰੀ ਔਰ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਠੱਪਿਆ, ਪਾਇਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬਦਅਕੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਰਿਆਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਮੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਕੀਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਿਹਾਇਆ। ਲੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਝੂਠ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਗੈਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੈ। لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم।
सरकार ने फरमाया आओ भाई चलो उहदा जनाजा पढ़िए। इमाम बुखारी दे दादा उस्ताद इमाम अहमद अपनी मुसनद दे अंदर, इबन हिब्बान अपनी सही दे अंदर हदीस नकल करते ने, साहबा फरमाते ने सानू नजर आ रहा सी फरिश्तियां उहदा जनाजा चुक के सामने रखिया, सरकार जनाजा पढ़ाई जा रहा। फिर नजाशी नू अल्लाह ने मर्तबा किन्ना दिता, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। साढ़े मोमना की अम्मी जान हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने, असी गल्लां करदियां होंदियां सां कि नजाशी की कबर ते हमेशा एक नूर रहिंदा है। कई अल्लाह वाले ऐसे ने जिन्हां दियां शानां दे जलवे अल्लाह ताला लोकां नूं विखाउंदा वी है। इसे तरह एक बुजुर्ग गुजरे ने इमाम बुखारी रहमतुल्ला अलैह, उन्हां दी कबरे अनवर चो किन्ने दिन तक कस्तूरी की खुशबू आती रही। अच्छा खैर जनाजा जदों पढ़ना है तो कदों पढ़ना है कि मैयत होवे सामने। अच्छा जनाजा पढ़न लगे एक ख्याल होर भी करना है, ये जनाजा सवाद वास्ते नहीं पढ़ना, सवाब वास्ते पढ़ना। क्योंकि साढ़े ना अजकल कुछ लोग ऐसे जमते ने जी सवाद आंदा उच्ची जनाजा पढ़िया, भाई सवाद वास्ते नहीं पढ़ी दे, सवाब वास्ते पढ़ी दे। जड़े लुकी रौला पाते ना उच्ची जनाजा पढ़ते हैं तो बड़ा फिर रोंद ने तो कुरलाते ने, इन सारे रियाल मिलते हैं सऊदी अरब चो। तो कई बंदे ऐसे हैं इतने बैठे जे कई बारी हरमैन शरीफैन हो के आए ने, हर नमाज के नाल उ कई कई जनाजे पढ़े जाते हैं, तो उत्थे जनाजा उच्ची पढ़िया जाता कि हौली पढ़िया जाता है, हौली पढ़िया जाता। पता लगा जनाजा सुन्नत की है आहिस्ता पढ़ना। अच्छा वैसे जनाजा जड़ा है ना ये पढ़ना चाहिए, कोई पता लग जाए ना जनाजा है किसे दा, ये मोमिन दा मोमिन ते हक है कि वह बीमार हो जाए उन्हें पुछन जाओ, फौत हो जाए तो जनाजे ते जाओ, तो जे कोई भी जनाजे ते ना जाएगा सारा महला ही गुनाहगार होएगा। तो जदों किसी का जनाजा पढ़िए ना तो सवाब बड़ा मिलता जी, फायदा बड़ा मिलता जी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिदे जनाजे दे अंदर 100 मोमिन मुसलमान शरीक हो जान, मरण वाले दा जनाजा पढ़ दिन बख्शिश की दुआ मंग दिन ते मरण वाला बख्शिया गया। किन्ने बंदे जनाजा पढ़ दिन ते मरण वाला बख्शिया गया? 100। मेरे आका दे दिल च ख्याल आया होएगा मेरे कई गरीबड़े भी तो होंगे ना जिन्हां दे जनाजे 100 बंदा नहीं जाएगा वह की करनगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिदे जनाजे दे अंदर 40 मोमिन मुसलमान शरीक हो जाण, मरण वाले दा जनाजा पढ़ दिन बख्शिश की दुआ मंग दिन तां वी मरण वाला बख्शिया गया। अच्छा एक टब्बर पाकिस्तान च ऐसा भी है जिहड़ा कहिंदा सिर्फ पुत्तर की दुआ फायदा देंदी किसी होर की दुआ फायदा नहीं देंदी। आ जिहड़े जनाजा पढ़न वाले ने सारे पुत्तर होंदे ने, कोई पुत्रां दी मोमिनां दी दुआ फायदा देंदी, सिर्फ पुत्रां दी नहीं मोमिन हर मोमिन की दुआ मरण वाले नूं फायदा देंदी है। अच्छा पहली हदीस च किन्ने बंदे जनाजा पढ़न ते मरण वाला बख्शिया गया, ते दूजी हदीस च 40। ये दोवें हदीसां मुस्लिम शरीफ दियां ने। मेरे आका दे दिल च यह भी आया होएगा कि कई बंदे तो ऐसे भी होणगे ना जिन्हां दे जनाजे 40 भी नहीं पढ़ना की करनगे। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है हजरत मालिक बिन हुबैरा इरशाद फरमाते ने सरकार ने इरशाद फरमाया जिदे जनाजे दे अंदर मोमिना मुसलमाना दियां 3 सफां बन जा छोटियां छोटियां, ये मुशरिक ना हो हुण मोमिन मोमिन हो, शिरक ना कर दे हो मोमिन हो,
मरण वाले दा जनाजा पढ़ देन, बख्शिश दी दुआ मंग देन, मरण वाले वास्ते जन्नत वाजिब हो गई। इयो साबी मालिक बिन हुबैरा, एक जनाजे दे अंदर टोटल 6 बंदे, उन्हें पता की कीता 3 सफा बनाईया, पहली सफे च 3 बंदे खड़े कीते, दूजी सफे च 2 बंदे खड़े कीते, तीजी सफे च 1 बंदा खड़ा कीता ताकि सरकार दी दुआ दी बरकत पहुंच जाए ते मरण वाला जन्नत दे अंदर चला जाए। क्यों जी आशमी साहब, अब्बाई दे जनाजे च किन्नियां कु सफा सन? ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਟੱਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ 40 ਤੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੀ, 3 ਸਫਾਂ ਦੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ 100 ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਫਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। अच्छा असा तो पढ़िया जनाजा फायदा हो गया मरण वाले, सानू की लब्बा? सानू तो कुछ लभना चाहिए ना, असियां दुनियादार हिसाबी किताबी। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा जनाजा पढ़न जाए, जनाजा पढ़ के घर वापस आ जाए, दफन च शरीक नहीं होया, अल्लाह उन्हूं एक किरात दा सवाब। तो जड़ा जनाजे तो बाद दफन दे अंदर भी शरीक हो गए, अल्लाह उन्हों 2 किरात दा सवाब देंदा है। सरकार ने की फरमाया किन्ना सवाब मिलता है? किरात दा, जनाजा पढ़ने वाले नू 1 किरात दा, दफन च भी शरीक होया तो 2 किरात दा। किरात एक वजन है, इहदे मुख्तलिफ वजन ने। साबा ने अरज किया आका ये जड़ा एक किरात है, ये सवाब की किन्नी कु पंड है, ये वजन किन्ना कु है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुसा मेरा ओहद पहाड़ वेखे ना, जिड़ा ओहद पहाड़ है इन्नी सवाब की पंड अल्लाह जनाजा पढ़ने वाले नू अता फरमा। अच्छा ये पता है ओहद नू ओहद क्यों कहते हैं? पहाड़ी सिलसिला होवे ना, तुसी कई बार वेखे ने पहाड़ी सिलसिले, एक पहाड़ दूजे नाल जुड़िया हुंदा है, दूजा तीजे नाल, तीजा चौथे नाल, तां ही तुसी फोटो वेखो ना इंज उंजा ने फिर इंज इंज हुंदा ना पहाड़। अल्लाह तुहानू मदीने शरीफ लै जाए, जड़े गए ने हुण दोबारा जाण ते ध्यान करना, ओहद पहाड़ किसी होर पहाड़ नाल जुड़िया नहीं, इह कल्ला ही है, क्योंकि कल्ला है ना इस वास्ते इन्हू क्या जाता है ओहद। ते एडा सोहना पहाड़े, सरकार ने फरमाया हाजा जबलुन युहिब्बु नुहिब्बुहु, ये पहाड़ साढ़े नाल भी प्यार करता है, असी भी ये नाल प्यार करते हैं। एक बारी ना सरकार पहाड़ ते चढ़े, त्रैवे यार ये भी नाल सन, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमरे फारूक, हजरत उस्मान गनी, जिन्नुरैन रदी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ये भी नाल सन। अचानक पहाड़ च ना जलजला आ गया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना इंज करके इंज जोर दी ठोकर मारी, फरमाया उस्बत या उहद, ओए पहाड़ा ठहर जा, पता नहीं तेनू, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ, تیرے تے ایک اللہ دا نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید موجود نے۔ نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, اللہ کرے تیری مدد, سید اسد, سید اسد, اللہ کرے تیری مدد, शहीद हुए नहीं, अल्लाह शहीद हुए मेरे आकन अंजाम दा भी हाय हाय। एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा, एक ठोकर में ओहद का
जलजला जाता रहा, एक ठोकर में उहद का जलजला जाता रहा, एक ठोकर में उहद का जलजला जाता रहा। कितना रखती है वकार अल्लाहु अकबर एड़िया, कितना रखती है वकार अल्लाहु अकबर एड़िया। सरकार ने फरमाया पहाड़ा तेरे ते एक अल्लाह दा नबी है। ये नबी कौन सन? खुद सरकार। फरमाया तेरे ते एक सिद्दीक है। ये सिद्दीक कौन सन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। फरमाया वह शहीदान, तेरे ते दो शहीद भी ने। ये दो शहीद कौन सन? हजरत उमर फारूक ते हजरत उस्मान गनी। ये दोवें शहीद हो गए सन कि हले होना सी, होना सी। हुण उन्हां लोकां नूं सोचना चाहीदा जिहड़े कहिंदे ने नबी दे पल्ले कुछ नहीं। ओ इंज ना किया कर, नबी दे पल्ले कुछ नहीं। नबी दे पल्ले ते इन्ना जरा जी ठोकर मारे ते पहाड़ दा जलजला खत्म कर दे। ते उन्हां लोकां नूं भी सोचना चाहीदा जिहड़े कहिंदे ने नबी नूं गैब दा की पता, गैब दा की पता। नबी नूं पता सी इन्हां दोवां नूं अल्लाह ने मनसबे शहादत अता फरमाना। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शह नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। बाला गल्लोला बेकमाल ही कशफ तुजा बे जमाल ही, हसुन जमी यो खिसाल ही। सल्लू अलैहि व आलिही। अच्छा भी जनाजा मुक जांदा जे सलाम ते, शुरू हुंदा अल्लाहु अकबर तो, ते मुकदा किथे सलाम ते। सलाम फेरन तो बाद हुण किसे दा दिल है कोई कम शामे उन्हूं आ सकदा वापस? कोई गुनाह नहीं उन्हूं, क्योंकि जनाजा बस इन्ना की है। तकबीर तहरीमा तो शुरू ते सलाम ते खत्म। ता ही तुहानूं कहिंदा ना जनाजे तो बस सफा तोड़ जाओ या बह जाओ, ताकि किसी नूं शक ना पै जाए कि जनाजा हले लंबा हो गया, जनाजा ही जा रहा है। दिल करे तो तुसीं गुआंढी नूं पुछ सकदे हो की हाल है तेरा, राजी है, तैनूं कदों इतला मिली सी, वो तेरे फसल दे पैसे मरे सन लभ पे ने कि नहीं, वो तू कुड़ी दा विआह करना सी तारीख रख लई हूँ। दुनिया जान दियां गल्लां दिल करे ते कर, कोई गुनाह नहीं। तो दिल करे तो अपनी तो मरण वाले की बख्शिश वास्ते हाथ चुक ले। जनाजे तो बाद दुआ मंगना फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत मुकदा नहीं। बस ये है कि ये जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा ही मिठा है ना। साढ़े नाल कई बंदे मुनाजरे करते हैं, आशमी साहब भी नाल सन, नहीं जनाजे तो बाद दुआ तो नहीं मंगनी चाहिए। भी क्यों नहीं मंगनी चाहिए? ओ वेखो ना बादशाह जनाजा तो आप दुआ है ना, दुआ तो बाद तो दूसरी दुआ का तुक नहीं ना बनता। हालांकि इन अल्लाह के बंदे नूं सोचना चाहिए, नबी करीम अलैहि सलातु वसलाम खुद तीन वारी दुआ मंगना पसंद फरमाते सन। तो सब तो वड्डी किताब तो है ना, तो कुरान नूं पुछ लैने, कुरान तू दस इक्को ही दुआ मंगनी चाहिए या एक तो बाद दूजी दुआ मंग लेनी चाहिए? लो जी सूरत बकरा की आखिरी आयत, कुल आयतां ने दियां 286 ते आखरी आयत। अल्लाह ताला बंदियां नूं आप दुआ सिखा रहे हैं।
खुद अल्लाह फरमांदा है बंदियो एक क्या करो रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना सुभान अल्लाह या अल्लाह असी भूल जाइए या गलती कर बैठिए ना तो मौला सानू फड़ी ना किड्डा मेहरबान है फरमांदा तुसी ए कह दियो असी तुहानू माफ कर देंगे जी। ये एक दुआ एक दुआ तो बाद जे दूसरी दुआ मंगना गुनाह होंदा ते अल्लाह अगों ये ना सिखांदा रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन कबलिना या अल्लाह जड़ा भार तू साडे ते पहले लोकां ते पाया ही ना या अल्लाह सानू ओ भार ना चवा या अल्लाह सानू ओ भार ना चवा असी माड़े हैं लिसे हैं असी बहुता भार नहीं चुक सकते या अल्लाह सानू ओ भार ना चवा। एक दुआ तो बाद दूजी दुआ आ गई ना हुण अगर तीजी भी आई जे रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बिह या अल्लाह जड़ा पार असी चाह नहीं सकते सानू चवावी भी ना एक ही मंतिक एक दुआ तो बाद दूजी दुआ जायज नहीं जे दूजी दुआ न जायज हुंदी अल्लाह ताला आप बंदियां नू एक दुआ तो बाद कई दुआवां ना सिखांदा। हां जी एक दुआ तो बाद किन्नियां दुआवां हो गईयां दो वाफु अन्ना या अल्लाह चल माफ कर दे सानू माफ कर एक दुआ तो बाद किन्नियां दुआवां तीन वग़फिर लना या अल्लाह सी पापे पापी भी चोखियां पैड़े भी चोखियां पर या अल्लाह मेहरबानी करके सानू बख्श भी दे। एक दुआ तो बाद किन्नियां दुआवां आ गईयां वरहमना या अल्लाह तू रहीम है तू रहमान है साडे ते रहम फरमा। एक दुआ तो बाद किन्नियां दुआवां आ गईयां अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरी तू साडा मालिक जदों काफिरां नाल मुकाबला आ जाए ते या अल्लाह अपने वल्लों साडी मदद फरमा दई। या अल्लाह सी माड़े आ सी कमजोर आ जंग नहीं मंगदे पर हिंदू बड़ा पुतरिया फिरदे या अल्लाह जे लड़ाई दा मौका आ जाए सानू साबित कदम भी रखी फंसुरना अलल कौमिल काफिरी मसला बनाया जी एक दुआ तो बाद दूजी दुआ नहीं टाइम की होया जरा दस्सो बारह बज गए सुनिया दे नहीं जी उन्हां किसे दे बजदे ने कोई बजाउंदा है जी जी। अच्छा अल्लाह ने कुछ चीज़ें ऐसियां बनाईयां ने जिन्ना वास्ते टाइम मुकर्रर है। 12 बजे असीं हुण फजर दी नमाज पढ़ सकते हैं क्यों टाइम नहीं होया इन सलात कानत अलल मुमिनीन किताबं मौकूता नमाज़ां अपने अपने टाइम ते फर्ज ਇਹ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਹਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਹਜ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 12 ਵਜੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਖਾਓ। ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਖਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਖਾ, ਦੁਆ ਬਾ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਖਾ, 12 ਵਜੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆਂ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਦੂਨੀ ਅਸਤਜਿਬ ਲਕੁਮ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਤ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਈ, ਇਜ਼ਾ ਸਅਲਕਾ ਇਬਾਦੀ ਅੰਨੀ ਫਇਨੀ ਕਰੀਬ ਉਜੀਬੁ ਦਾਵਤ ਦਾਈ ਇਜ਼ਾ ਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾਦਾਨ ਉਜੀਬੋ ਉਜੀਬੋ ਦਾਵਤ ਦਾਈ ਇਜ਼ਾਦਾਨ। ਯਾ ਅੱਲਾ 1 ਵਜੇ, 1:30 ਵਜੇ, 2 ਵਜੇ, 2:30 ਵਜੇ, 3 ਵਜੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਫਜਰ ਵੇਲੇ, ਜ਼ੋਰ ਵੇਲੇ, ਅਸਰ ਵੇਲੇ, ਮਗਰਿਬ ਵੇਲੇ, ਇਸ਼ਾ ਵੇਲੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਜੀਬੋ ਦਾਵਤ ਦਾਈ ਇਜ਼ਾਦਾਨ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਾਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਥੱਕਿਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੀ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਾਂ ਫੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੀਡਰ ਸਾਫ, ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਕੋਸਾ, ਕੋਸਾ ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਫੀਡਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਨਿੱਪਲ ਚਾੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮੰਗਦਾ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੁਰੀ ਦਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲਵੇ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਬੇਸਮਝ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੇਂਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਗਿਆ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਟੋਏ ਪਲੇਨ, ਖਿਡੌਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਈ ਵਾਜ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬੇਸਮਝ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿਆਂਗੀ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਜ, ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
कई बार इंज हों अल्लाह ना मंगी शह दिंदा ना उहदी थां ते कुछ होर शह दिंदा जदों क्यामत वाला दिन है अल्लाह फरमाएगा होया ढेर भी तेरा आ भी तेरा आ भी या अल्लाह ये मेरियां नेकियां नहीं अल्लाह फरमाएगा तेरियां ये ओ दुआवां ने जिहड़ियां तू समझदा सैं कबूल नहीं होईयां मैं अज दे दिन वास्ते संभाल के रखियां ने आया उस वेले फिर बंदा सोचेगा ते आखेगा हाए कदी मेरी दुनिया च एक भी ना मनी जांदी ते इत्थे मेरे ढेरां दे ढेर होंदे आ अच्छा भी दुआ भी मंगनी कोई फर्ज नहीं जरूरी नहीं नहीं तेरे को टाइम तो जा बस एक गल का ख्याल रखी कोई दुआ मंगने वाला नजर आ जाए वेख के सड़ी ना जे सड़िया तो पुत्र इत्थे भी सड़ेगा तो अगे भी सड़ेगा हुण ले जाना है इनू कब्रस्तान के अंदर कब्र के अंदर दफन करना है अल्लाह ताला दी एक मेरे ते बड़ी खास मेहरबानी है कि तकरीबन ना हर शहर च दो चार बंदे मेरे आस्ते दुआ करने वाले हैं अच्छा ते ये भी अल्लाह दी मेरे ते मेहरबानी है हर शहर च मेरे नाल सड़न वाले भी हैं ये भी मेहरबानी पल्लू नाल ते सड़दा भी कोई नहीं ना सड़दे इस गलों ने कि हैं ये नबी पाक दी खत्मे नबूवत दा चौकीदार बन के खलो जांदा है वजह की है सरकार दे नामूस दी खातर गल पै जांदा है लड़ पैंदा है मैं एक बारी सफर पिया करा ना तो एक बंदे ने ना मैनूं वेख लिया तो पछाण लिया फिर जिवें किसी नूं छेड़ीदा है ना चिड़ाईदा है ਉਹਨਾਂ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਪਿਆ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੂੰ ਲੱਖ ਪਿਆ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੀ ਆਖੇ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ ਆ ਵੇਖ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਬਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੰਟ ਦੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉੱਠਾ ਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਹਜੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸ਼ਵਾਬ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗਾ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲਾਉਂਗਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਤਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਲੀਪਰ ਪਾਏ ਨੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੜਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲ ਮਈਏ ਤੋਂ ਯਸਮਾ ਕੰਨਿਆਲ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਈਅਤ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਖੜਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਖੜਕ ਸੁਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ਣਦਾਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਈਕ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖੜਕ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੂ ਵਾਲਾ ਮਾਇਸ਼ਾ ਉਕਦੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਈ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੌਤੀਦਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ
दूजे रिश्तेदार ते आंढी गुआंढी कदे वास्ते ने। मैं अपने शहर च वेखदा जनाब जिनी देर तक तुसी कुकड़ नहीं खवाओगे असी खत्म तो नहीं बहना। बे कमाल हो गए भी तुसी एक अगले उंज मुसीबत दे अंदर ने, दूसरा तुसी उन्होंने मुसीबत च पाया। ये सुन्नत भी है, इस ते अमल करो, अल्लाह ताला बरकतां अता फरमांदा है। अच्छा हुण घर आ गए, हुण मरन वाले वास्ते सिर्फ इको चीज बाकी रह गई। इत्थे दुनिया दे अंदर अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे एक दूजे का फायदा सोचन, अल्लाह ताला चाहता है। नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, तू इत्थे अपने भरा की एक मुश्किल आसान कर, एक हाजत पूरी कर, अल्लाह ओदे बदले कयामत दियां मुसीबतां चों तेरी एक मुसीबत दूर फरमाएगा। ते अपने ना जड़े जिंदा ने ना जिंदा उन्हां नाल भी प्यार दा ही सलूक करना चाहिए, प्यार दा मोहब्बत दा। पता नहीं साढ़े चो की कोई वबा फैल गई है, एवें एक दूसरे नाल जलसे होना, सड़दियां रहना, ना किसी का बुरा ना सोची, बुरा नहीं सोचना, हर किसी का फायदा सोच। पता अल्लाह नूं फायदा सोचण वाला किन्ना चंगा लगता है। नबी करीम अलैहि सलाम ने खुद फरमाया, तो बुखारी शरीफ की हदीस सी, एक कंजरी जा रही सी, उन्हें वेख्या जंगल के अंदर एक कुत्ता है लम्मे पिया ते जुबान उहदी बाहर निकली है, तो कंजरी सी पर सियाणी सी, उह समझ गई इहनूं लगी है प्यास, इहनूं पाणी लभ जाए तो बच सकदा है। पानी लैण वास्ते ना उन्हें इधर उधर वेख्या तो उन्होंने एक खूह नज़र आया, खूह चो पानी कढ़न गई तो ना डोल तो ना रस्सी, पानी किवें कढ़े। अल्लाह ने उन्होंने अकल दी सी, उन्हें दुपट्टा लाया। एक जुमला इत्थे कह दिया, पुराने जमाने दियां कंजरियां जिहड़ियां ने भी दुपट्टे ते रखदियां सन। सानू सारिआं नूं ना अपने अपने घरां च वेखणा चाहीदा, बच्चियां बेपर्द नहीं रहणियां चाहीदियां। उन्हें दुपट्टा लाया, जुत्ती लाई, मैं दुपट्टे दे नाल जुत्ती बन्नी ते दुपट्टा लमकाया, पानी को जुत्ती च आया, दुपट्टा गिला होया, उन्हें फटोफट खिंचिया दुपट्टा, कुत्ते दे मुँह च आके ना जुत्ती वाला पानी भी नचोड़िया, दुपट्टे वाला पानी भी नचोड़िया, 6-7 चक्कर लाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने, कुत्ते की जान बच गई, अल्लाह ने उहदे कंजर पुणे नूं नहीं वेख्या, अपनी मखलूक कुत्ते ते मेहरबानी वेख के अल्लाह ने उहदी बख्शिश कर दित्ती। ओ कंजरी ओ प्यार करे कुत्ते नाल, भला सोचे कुत्ते दा ते ओ बख्शी जाए, है भी पहली उम्मत दी कंजरी। ते तू ते नबी पाक दा उम्मत ही है, तू नबी पाक दे किसे उम्मती ते मेहरबानी करेगा, तेरा की ख्याल है तू खाली चला जाएगा? अल्लाह दी बारगाह तेरे वास्ते बड़े अजर ने, बड़िया बरकत ना, थोड़ा जा तू ही हिलजुल तो करना, तरला तो करना अल्लाह की बारगाह, एक दूजे का फायदा सोचिया करो। अच्छा जिनी देर तक बंदा जिंदा है वो फायदा सोच लेंदा भी ये बीमार हो गया, इनू दवाई लिया के देनी, इनू कपड़े की लोड़ है, जोड़ा ले सूट लै दिता, भुखा है इनू रोटी खुआती। जिंदिया नाल बंदा असी हैल्प कर सकते हैं, लेकिन जो दुनिया तो टुर जाए फिर भी कोई हैल्प हो सकती है कि नहीं? हाँ हो सकती है। हुण इक्को तरीका है,